शिवरात्रि स्थापना। एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक गए और उन्होंने विष्णु जी को अपना पुत्र बनाया तथा उनसे कहा कि वे ब्रह्मा की आज्ञा माने। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विष्णु जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं, अपितु आप ही नाभि कमल से उत्पन्न पुत्र हो और मैं सृष्टि का पालक हूं, अतः आपकी भी रक्षा करता हूं। इस रूप में आप मेरे द्वारा संरक्षित हैं। इसके साथ ही विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से उनके त्रियक मुख का कारण जानना चाहा। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने स्वयं को विश्व का पितामह बताया और विष्णु पर आरोप लगाया कि वह यह तथ्य नहीं जानते। यह विवाद संघर्ष का रूप ले बैठा। इस विवाद के समय पहले तो देवताओं ने आनंद मनाया, पर जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु आपस में स्वर प्रहार करने लगे तो देवताओं ने उन्हें रोका कि इस प्रकार अराजकता ना फैलाएं। तब सारे देवताओं ने भगवान शंकर की शरण जाने का निश्चय किया। देवता लोग भगवान शिव के पास आए और ब्रह्मा तथा विष्णु का संघर्ष समाप्त करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी अपने गणों के साथ संघर्ष स्थल पर आए और कुछ दूर से विष्णु तथा ब्रह्मा का संघर्ष देखने लगे। तब अकस्मात शिवजी ने एक स्तंभ का रूप धारण किया और दोनों के बीच आकर खड़े हो गए। उस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध रोक दिया। वे आश्चर्यचकित होकर ज्योति रूप स्तंभ को देखने लगे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस स्तंभ के विषय में सोचने विचारने लगे। स्तंभ का रहस्य जानने के लिए विष्णु शूकर का रूप धारण कर स्तंभ के मूल का अवलोकन करने के लिए नीचे चले गए और ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया तथा वे अंत को देखने के लिए ऊपर की ओर गए, पर दोनों को ही रहस्य का ज्ञान नहीं हो सका। इसी समय ब्रह्मा ने आकाश में एक फूल देखा और उसे अपने ज्ञान को साक्षी मानकर विष्णु से स्तंभ का अंत पा लेने का दावा किया। इस पर विष्णु नतमस्तक हो गए और उन्होंने ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए, किंतु शिवजी ब्रह्मा के कपट को सहन ना कर सके और एकदम वहां प्रकट हो गए। विष्णु ने शिवजी के चरणों का स्पर्श किया और शिवजी ने विष्णु की सत्यवादिता से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान होने का वरदान दिया। उधर एक विचित्र बात यह हुई कि ब्रह्मा को उनके असत्य भाषण पर दंडित करने के लिए जैसे ही शिवजी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, वैसे ही उनकी भौहों से भैरव पैदा हुआ, जिसने शिवजी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट लिया। जब भैरव और सिरों को भी काटने लगा तो ब्रह्मा जी शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु भी शिवजी को प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी के लिए क्षमा मांगने लगे। इस पर शिवजी ने भैरव को हटाया किंतु ब्रह्मा को सत्कार और उत्सव से अलग कर दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी पुनः विनती करने लगे तो शिवजी ने उन्हें गणों का आचार्य बना दिया। जिस फूल को ब्रह्मा जी ने देखा था वो केतकी का फूल था, अतः असत्य साक्ष्य के कारण शिवजी ने केतकी को अपनी पूजा से अलग कर दिया। फिर जब केतकी ने भी प्रार्थना की तो उसे शिवजी ने मंडप सजावट के समय शिरोमणि फूल होने का वरदान दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी को अनेक वस्तुएं समर्पित की और षोडशोपचार से शिवजी की पूजा की। इसके बाद शिवजी ने उन दोनों को समझाया कि वस्तुतः वे ही शिव ईश्वर हैं। अज्ञान के कारण ही आप लोगों ने स्वयं को ईश्वर मानने का विचार व्यक्त किया है। अब इस अज्ञान से मुक्त होकर मेरे प्रति ही तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए तथा मेरे पिंडी लिंग को मुझ निराकार का साकार रूप मानकर पूजा करो। आज का दिन मेरे नाम से शिवगिरी का दिन कहलाएगा। इस दिन पार्वती सहित मेरी लिंग रूप में पूजा करने वाला मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय होगा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु के पूछने पर शिवजी ने पंचकृत्य के विषय में बताया। पहला, सर्ग अथवा सृष्टि, संसार का अभ्युदय। दूसरा, स्थिति, संसार का पालन, भरण पोषण और व्यवस्थापन। तीसरा, संहार, संसार का विनाश। चौथा,
तिरोभाव, परिवर्तन अथवा उत्क्रम, रूपांतर। पांचवा, अनुग्रह, सर्ग से मुक्ति। शिवजी बोले, इन पांच कृत्यों से ही मेरे द्वारा संसार का संचालन होता है। इनके संचालन के लिए मेरे पांच मुख, चार दिशाओं में चार और बीच में पंचम है। आपने अपने तप से पहली दो स्थितियों को ही प्राप्त किया है। रुद्र और महेश रूप ने भी संघार और तिरोभाव कृत्यों की प्राप्ति की है। अनुग्रह नामक पंचम कृत्य कोई भी नहीं प्राप्त कर सका है। और आप लोगों की एक भूल से और आप में व्याप्त मूढ़ता के कारण मुझे रूप, यश, कृत्य, वाहन, आयुधादि का सृष्टि की स्थिति के लिए संग्रह करने पर विवश होना पड़ा। यदि आप अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो ओंकार द्वारा मेरा पूजन करो। ओंकार ही मेरा वाच्य और मैं वाचक हूं। ओंकार के साथ पंचाक्षर ओम नमः शिवाय से मेरा अनुग्रह सुलभ हो जाता है। शिवजी के इस दिव्य उपदेश के लिए देवों ने कृतज्ञता प्रकट की और शिवजी की पूजा की। उनकी पूजा स्वीकार कर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस आख्यान को सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे भगवान, आप हमें सदाचार का स्वरूप समझाने की कृपा करें। हम स्वर्ग नरक के कारणभूत धर्म अधर्म का ज्ञान पाना चाहते हैं। यह सुनकर सूत जी बोले, सदाचार युक्त ब्राह्मण ही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। सदाचार के कर्म विधान में अनेक बातें हैं। सदाचार से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल उठकर सूर्य की ओर मुख कर देवताओं का स्मरण करे, इससे उसे अर्थ और धर्म की उपलब्धि होगी। फिर नित्य कर्म रूप मल मूत्र का त्याग करे। इसके बाद हाथ पैर धोकर कुल्ला करे। दंत मंजन करने के बाद स्नान करके पितरों का स्मरण करे। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके मस्तक पर टीका लगाए। फिर किसी मंदिर में या घर पर ही नियत स्थान पर गायत्री का जाप करे। यह जाप सोहम भावना से करे। इसके बाद अपने व्यवसाय में धर्म भाव से काम करे। इस प्रकार धन उपार्जन करते हुए परिवार का पालन करे। हे ऋषियों, सदाचारी को चाहिए कि द्रव्य धर्म और देह धर्म का पालन करे। दान करना, यज्ञ करना, मंदिर वापी बनवाना द्रव्य धर्म कहलाता है और पूजा अर्चना तथा तीर्थ भ्रमण आदि देह धर्म कहलाता है। द्रव्य धर्म से धन वृद्धि, देह धर्म से दिव्यत्व की प्राप्ति होती है। इनके सांगोपांग समन्वय से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके बाद ऋषियों के यह पूछने पर कि शिवलिंग की स्थापना कहां और किस रूप में की जाए, सूत जी ने कहा कि गंगा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर या जहां कहीं भी सुविधा हो शिवलिंग की स्थापना हो सकती है। समय और स्थान का बंधन नहीं है। लोहा, पत्थर या मिट्टी किसी से भी बना 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। लिंग के आसपास गोबर मिली मिट्टी से स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। नवनीत, भस्म, कनेर के फूल, फल, गुड़ आदि वस्तुओं से लिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय के साथ ओम सर्वदा लगाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के चारों तरफ 4000 हाथ दूरी का वर्ग क्षेत्र होना चाहिए और उस क्षेत्र में कुआं वापी आदि होना चाहिए। सूत जी ने कहा कि भारत में गंगा, सरस्वती आदि नदियों के तटों पर अनेक शिव क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में निवास करने और पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। पुण्य प्राप्ति के साथ अपुण्य या पाप के विषय में बताते हुए सूत जी ने कहा कि शिव क्षेत्र में पाप करने से अत्यधिक हानि होती है। उसका परिहार बहुत बड़े पश्चाताप से ही हो सकता है। सूत जी ने आगे बताया कि पाप पुण्य के तीन चक्र होते हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों में संतुलन किया जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति भी प्रत्येक युग में भिन्न रूप से होती है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन योग से ज्ञान की प्राप्ति संभव है। कलयुग में ज्ञान की प्राप्ति प्रतिमा के पूजन से ही संभव है।
इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यर्थी भक्त को प्रतिमा पूजन में ध्यान लगाना चाहिए। कलयुग में द्रव्य धर्म की प्रतिष्ठा अधिक है, कलयुग में न्याय द्वारा अर्जित धन कार्यों में लगाना चाहिए। भक्त जो कुछ भी अर्जित करे उसका एक भाग धार्मिक कार्यों में, एक भाग व्यापार वृद्धि में, एक भाग भवन निर्माण में तथा विवाह आदि कार्यों में व्यय करना चाहिए। जो व्यक्ति व्यापार से अर्जित धन के छठे भाग को और कृषि से अर्जित धन के दसवें भाग को धर्म कार्य में व्यय नहीं करता, वह सदाचार के नियमों का उल्लंघन करता है। दूसरों में दोष दृष्टि न देखना, द्वार आए याचक को निराश न लौटाना, अग्निहोत्र करना सदाचार के अंग है। मुनियों ने सूत जी से कहा कि अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति के स्वरूप को समझाइए। सूत जी बोले, ये पांचों महायज्ञ अत्यंत पुण्यदायक हैं, इनका स्वरूप समझ लेना चाहिए। अग्नि यज्ञ है अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना। समिधा द्वारा यज्ञ करने के साथ आत्मा में ही अग्नि प्रज्वलित करके यह यज्ञ संपन्न किया जा सकता है। प्रातः काल के अग्नि यज्ञ से आयु वृद्धि होती है और सायंकाल के यज्ञ से संपत्ति वृद्धि। देव यज्ञ है देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ में आहुति देना। ब्रह्म यज्ञ है नियम पूर्वक वेदांगों का अध्ययन। गुरु पूजा है धन धान्य और अन्नादि से वेद पाठी की सेवा करके उसे संतुष्ट करना। ब्रह्म तृप्ति है नियम पूर्वक आचरण करते हुए आत्मा रूप ब्रह्म को तुष्ट करना। वारों के सृष्टि विषय में बताते हुए सूत जी ने कहा, महादेव ने ही लोक कल्याण के लिए पहले आदित्यवार तथा बाद में अन्य वारों की स्थापना की। इसके साथ प्रत्येक दिन के लिए पूज्य एक देवता और उसके पूजा फल का विधान किया। सम्यक और स्वस्थ जीवन यापन करने के इच्छुक भक्त इन वारों से संबद्ध देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा के स्वरूप में देवताओं का ध्यान करना, उनके मंत्र का उच्चारण करना, उनके लिए या उन्हीं का होम करना, उनके नाम पर दान और उनके विधान का जप तप करना। इस प्रकार प्रत्येक वार से संबद्ध देवता की पूजा का अपना पृथक फल होता है। आदित्यवार देवता शंकर, पूजा विधि प्रतिमा पूजन, ब्राह्मण भोजन, फल पाप शांति और रोग मुक्ति। सोमवार देवता लक्ष्मी, पूजा विधि ब्राह्मण भोजन, फल धन प्राप्ति। मंगलवार देवता काली, पूजा विधि दालों का दान और ब्राह्मण भोजन, फल रोग शांति। बुधवार देवता विष्णु, पूजा विधि दधि अन्न आदि से विष्णु पूजन, फल मित्र पुत्र स्त्री आदि की पुष्टि। गुरुवार देवता गुरु, पूजा विधि वस्त्र घृत। यज्ञोपवीत आदि से गुरु पूजा, फल दीर्घायुष्य लाभ। शुक्रवार देवता उष्णा, पूजा विधि षट रस पदार्थों से देवता ब्राह्मण पूजन, फल भोग प्राप्ति। शनिवार देवता तिलक, पूजा विधि होम दान, फल रूपवती स्त्री की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं कि देव यज्ञादि से परिपूर्ण घर सुख शांतिदायक होता है। घर से 10 गुना कोष्ठ, कोष्ठ से 10 गुना तुलसी या पीपल के नीचे का स्थल, उससे 10 गुना मंदिर, उससे 10 गुना कावेरी गंगा आदि का तीर्थ, समुद्र तट, पर्वत शिखर पर पूजन करने से फल की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए जितना सुरम्य स्थल हो, प्राकृतिक संपदा हो, उतना ही शुद्ध मन से की जाने वाली पूजा का फल मिलता है। सूत जी कहते हैं कि युगानुरूप फल प्राप्ति के अंश में घटा बढ़ी होती रहती है। सत्य युग में पूर्ण फल, त्रेता में 1/3 और द्वापर में अर्ध फल की प्राप्ति होती है।
कलयुग में ये मात्रा एक चौथाई रह गई है, किंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन पूरा फल देता है। कुछ विशेष दिनों में पूजा का फल अधिक होता है। सामान्य दिन की अपेक्षा रवि संक्रांति के दिन 10 गुना, तुला और मेष संक्रांति के दिन उससे 10 गुना और चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना तथा सूर्य ग्रहण में सर्वाधिक फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण पूजा के लिए सर्वोत्तम समय है। सूत जी से मुनियों ने पूछा कि हे महात्मन, आप शिव जी की पार्थिव पूजा के विधान को बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं तुम्हें स्त्री पुत्रादि प्राप्त करने वाला, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, धन धान्य देने वाला विधान बताता हूं। स्वयं निर्मित शिवलिंग पर 1 शेर, देवताओं द्वारा बनाए गए शिवलिंग पर 3 शेर तथा स्वयं प्रकट शिवलिंग पर 5 शेर का अन्न का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। लिंग का प्रमाण 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा है। इस प्रकार पार्थिव रूप से की गई लिंग पूजा सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। यह सारा बिंदु नादात्मक है। शक्ति का नाम बिंदु और शिव का नाम नाद है। इन दोनों का समन्वय शिवलिंग है और शिवजी के समाविष्ट होने के कारण योनि और लिंग दोनों रूप जगत के सृष्टा हैं। इसके साथ देवी रूप माता और बिंदु रूप पिता नाद की पूजा करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। आदित्यवार के दिन गोबर, गोमूत्र, गौ का दूध, घी और मधु को मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराकर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्रकृति में 8 बंधन होते हैं। पंचतन मात्रा और बुद्धि गुणात्मक अहंकार में बंधने के कारण आत्मा जीव कहलाती है। जीव देहात्मक है और उसका क्रिया कर्म है। कर्म का फल होता है और कर्म फल पाने के लिए बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर के 3 रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर मांग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग का आधार है। कर्म के रज्जू से बंधा हुआ यह शरीर चक्रवत घूमता रहता है। जीव का यह बंधन शिव की पूजा से ही दूर होता है। शिवलिंग में मन, वचन और कर्म से आस्था रखते हुए उसकी पूजा करते हुए मनुष्य शिव रूप और आत्माराम हो जाता है। मुनियों ने पूछा कि लिंग आदि के भेद से पूजा का विधान क्या है। तब सूत जी ने बताया, सबसे पहला प्रणव लिंग है। यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों है और इसे ही पंचाक्षर कहा गया है। पृथ्वी के विकास के 5 लिंग कहे गए हैं। स्वयं लिंग, देवता और ऋषियों के फल स्वरूप पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होने वाला स्वयं लिंग कहलाता है। बिंदु लिंग, इसे पृथ्वी आदि की वेदिका पर प्रणव मंत्र से लिखा जाता है। प्रतिष्ठित लिंग, एक पात्र में रखकर घर में स्थापित किया गया लिंग। चरलिंग, प्रत्येक पूजा काल में बनाया गया और फिर विसर्जित किया जाने वाला लिंग। गुरुलिंग, गुरु द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया शिव रूप लिंग। भक्त को सब कार्यों से पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और फिर दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को दूर करने के लिए विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके बाद शिव जी का महाभिषेक करके उन्हें नैवेद्य समर्पित करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1,00,000 मंत्रों के द्वारा शंकर को नमस्कार करके 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। शिवजी की कृपा दृष्टि पाने के लिए अपने को बिल्कुल अकिंचन समझकर विनती करनी चाहिए। मुनियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन करें, जिसे उन्होंने व्यास जी के मुंह से सुना। सूत जी बोले, पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ है। देवता, ऋषि, मनुष्य, गंधर्व, सर्प और स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु पार्थिव महेश्वर के पूजन से पूर्ण काम हुए हैं। जिस तरह से नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, मंत्रों में ओंकार है, वर्णों में ब्राह्मण, पुरियों में काशी है और शक्ति में दैवी शक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव महेश्वर सबसे अधिक श्रेष्ठ
और पूजनीय है। पार्थिव महेश्वर की पूजा करने वाला भक्त शिव लोक का वासी होता है, और जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव महेश्वर की पूजा नहीं करता वह नरक में जाता है। पार्थिव महेश्वर की संख्या इच्छा के अनुसार ही मानी गई है। विद्या पाने के लिए 1,000, पुत्र प्राप्ति के लिए 1,500 और भूमि की प्राप्ति के लिए 1,000 तथा धन वस्त्र की प्राप्ति के लिए 500 पार्थिव महेश्वर बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। इन सबसे महत्वपूर्ण है मोक्ष की अभिलाषा। इसके लिए 1,00,00,000 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से ब्राह्मण और ऋषि के श्राप से पीड़ित व्यक्ति भी त्रिजग्नमयी अष्टमूर्ति शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति का पूजन करने से श्राप मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है। मुनियों ने शिव पूजा के अन्य साधारण और असाधारण विधानों को जानना चाहा तो सूत जी बोले कि भक्त को चाहिए कि वह पवित्र स्थान से गृहीत मिट्टी से पिंड बनाए। पिंड बनाने से पहले उसे जल से शुद्ध कर ले और पार्थिव महेश्वर की रचना करे। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री को शुद्ध करे, भुरक्षी मंत्र से सिद्ध करे और आपोस्मान मंत्र से जल का संस्कार करे। नमः ते रुद्र से स्फटिक बंध करे और नमः करते हुए पंचामृत से प्रोक्षण करे तथा नमो नील ग्रीवाय मंत्र से महेश्वर की प्रतिष्ठा करे और एतते रुद्राय मंत्र से सुंदर आसन समर्पित करे। नमो महांतम मंत्र से याते रुद्र उच्चारण करते हुए पार्थिव महेश्वर को आसन पर बिठाए। इसके बाद इस मंत्र से स्नान, रुद्र, गायत्री से अर्घ्य अर्पित करे। फिर दधिकादयो घृत यावह पृथ्वी व्याम मंत्रों से दही, घी और दूध से स्नान कराए। इस प्रकार वेद विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करे। यह विधि अपेक्षाकृत कठिन है, इसलिए एक साधारण विधि का उल्लेख भी किया गया है। सूत जी कहते हैं कि शिव का भक्त हर, शंभु, शूलपाणी, शिव, पशुपति आदि अनेक नामों का स्मरण करके मिट्टी से शिवलिंग की रचना करे, फिर स्नान पूजन करके क्षमा याचना करे तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी का ध्यान करे। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर भगवान शंकर से इस प्रकार याचना करे, हे शिव, मैं आपका ही हूं क्योंकि आप में चित्त लगाया हुआ है। आप वेदों, शास्त्रों, ऋषियों के द्वारा भी अगम्य अज्ञेय हैं। मैं आपकी महिमा का पार कैसे पा सकता हूं? अज्ञान और ज्ञान से मैंने जो भी आपको भक्ति समर्पित की है वह आपकी ही कृपा का फल है। आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका शरणागत हूं। इस प्रकार विनम्र प्रार्थना करते हुए भक्त को चाहिए कि वह शिवलिंग की प्रदक्षिणा करे और शिवलिंग का विसर्जन करे। सत्यवृत्ति आचारवान शिव भक्त के लिए नैवेद्य अग्राह्य नहीं है। शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से पाप भाग जाते हैं, उसका भक्षण करने से तो पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव भक्त को बहुत अधिक श्रद्धा के साथ शिव नैवेद्य का भक्षण करना चाहिए। हां, जहां पर पवित्रता और सात्विकता नहीं है और जहां चांडालों का अधिकार है, यदि वहां कोई नैवेद्य का भक्षण नहीं करता तो उसे क्षमा किया जा सकता है। एक बात और जान लेनी चाहिए कि बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभू लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमा के पूजन में चांडालों का अधिकार नहीं है। इसके साथ बिल्व महादेव जी का रूप है। बिल्व पूजा में शिव जी का जल से अभिषेक करने वाला भक्त, ब्राह्मण को भोजन कराने वाला भक्त अनंत सुख और विभूति को प्राप्त होता है। मुनियों ने रुद्राक्ष की महिमा के विषय में बताने के लिए सूत जी से प्रार्थना की। सूत जी ने कहा, रुद्राक्ष, विभूति और शिव जी का नाम, इन तीनों का फल त्रिवेणी फल के समान माना गया है। जो भक्त शिव नाम का स्मरण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है और भस्म को अपने शरीर पर धारण करता है, वह पाप नाशक और पुण्यदायक भक्त के रूप में
औरों को भी पुण्य प्राप्त कराता है। ऐसे भक्त का दर्शन त्रिवेणी के दर्शन के समान है। शिवजी के अनेक नामों में सुरसरी, विभूति, सूर्य तनया, यमुना तथा रुद्राक्ष भागीरथी और सारे पापों को नष्ट करने वाली सरस्वती है। भस्म तीर्थ रूप है। महाभस्म और स्वल्प भस्म इसके दो रूप हैं। श्रौत, स्मार्त और लौकिक भेदों से महाभस्म कई प्रकार की होती है। इसी प्रकार स्वल्प भस्म के भी कई भेद होते हैं। द्विजों के लिए श्रौत और स्मार्त तथा अन्यों के लिए लौकिक भस्म धारण करने का विधान कहा गया है। गोबर से युक्त भस्म आग्नेय कही जाती है और इससे भी त्रिपुंड बनाना चाहिए। त्रिपुंड में तीन रेखाएं होती हैं। तीन अंगुलियों के बीच से प्रयत्न पूर्वक भस्म को लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए और उसके बाद ही शिव के नाम का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की महिमा बहुत विचित्र है। सहस्रों वर्ष पहले, जब सहस्रों वर्षों तक तप करने के बाद भी शिवजी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी लीला के वशीभूत होकर नेत्र बंद कर लिए। उस समय उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वे रुद्राक्ष के रूप में उत्पन्न हुई। अयोध्या, मथुरा, लंका, मलयाचल, काशी और सह्याद्री में पैदा होने वाले रुद्राक्ष शिवजी के चारों वर्णी और विष्णु के भक्तों को दे दिए। शिवजी ने ही रुद्राक्ष की अनेक जातियों का विधान किया। आंवले की परिमाण वाला रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना, बद्री फल जैसा मध्यम और चने के आकार वाला अधम माना। आंवले के आकार वाला रुद्राक्ष अरिष्टनाशक और दूसरा सौभाग्यवर्धक तथा तीसरा सिद्धिदायक होता है। स्वयं छिद्र रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला शिव रूप, 550 रुद्राक्षों को धारण करने वाला महान भक्त और 300 रुद्राक्षों को 3 सूत्री यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाला पवित्र आत्मा और 108 रुद्राक्षों को धारण करने वाला दृढ़व्रती कहलाता है। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि रुद्राक्ष धारण किए बिना शिव नाम की भक्ति फलदायक नहीं होती। रुद्राक्ष के 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष शिव रूप होता है और मुक्ति तथा भुक्ति प्रदाता है। द्विमुखी रुद्राक्ष पापनाशक होता है, त्रिमुखी सिद्धिदायक होता है और चतुर्मुख फलदायक होता है। इस तरह रुद्राक्ष के जितने मुख होंगे उन्हें धारण करने वाला उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जाएगा। रुद्राक्ष को धारण करने की एक विधि है। इन मंत्रों का जाप करके ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ओम ह्रीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ह्रीम हम नमः, ओम हुम नमः, ओम ओम हुम नमः, ओम हम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम क्लीम नमः, ओम क्लीम हुम नमः, ओम क्रुम क्षुरुम नमः, ओम हुम क्रुम नमः, ओम क्षु क्लुम नमः। इन मंत्रों के बिना रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष से देवता प्रसन्न होते हैं और भूत पिशाच भी डरते हैं।